मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने हाल ही में चौंका देने वाला कदम उठाकर दुनिया को हैरान कर दिया है। जी हाँ, बात हो रही है ईरान के सैटेलाइट लॉन्च की। ये बीते 15 दिनों में दूसरी बार है जब ईरान ने एक साथ 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। ईरान के लगातार सैटेलाइट लॉन्च से पश्चिमी देशों की नींद उड़ गई है। रविवार को ईरान ने अपने मिशन के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की जानकारी देते हुए बताया कि अंतरिक्ष में 3 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने बताया कि ईरान ने 3 घरेलू सैटेलाइट्स को पृथ्वी की सतह से न्यूनतम 450 किलोमीटर और अधिकतम 1100 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। महदा, क्यान 2 और हतेफ 1 सैटेलाइट्स को सेमनान प्रांत में इमाम खुमैनी स्पेस लॉन्च टर्मिनल से लॉन्च किया। इसमें एक खास बात यह है कि लॉन्चिंग में ईरान के सिमोर रॉकेट का सफल उपयोग भी देखा गया, जो इससे पहले कई बार विफल रहा था। मालूम हो कि एक हफ्ते पहले भी ईरान ने सैटेलाइट की लॉन्चिंग की थी। ईरान की सैटेलाइट लॉन्चिंग ऐसे वक्त हुई है जब गाजा में हमास पर इजराइल का युद्ध लगातार जारी रहने से तनाव बढ़ा हुआ है। वैसे तो ईरान ने इस संघर्ष में सैन्य दखलअंदाजी नहीं की है, मगर इजराइल की ओर से ईरान पर सैन्य मदद पहुंचाने का लगातार आरोप लग रहा है। ऐसे में ईरान का लगातार सैटेलाइट टेस्ट पश्चिमी देशों के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। पश्चिमी देशों ने ईरान के हालिया कार्यक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पश्चिमी देशों ने आशंका जताई कि इससे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों में और इजाफा होगा। खास बात है कि पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद ईरान नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम में बड़ी प्रगति करने में कामयाब रहा है। बता दें कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध पिछले अक्टूबर में समाप्त हुए हैं। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व शक्तियों के साथ परमाणु समझौते के टूटने के बाद ईरान अब हथियार और ग्रिड स्तर के करीब यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान सैटेलाइट बनाने और लॉन्च करने में सक्षम दुनिया के शीर्ष 10 देशों में से एक है। बताते चले कि पिछले दशक ईरान ने कई अल्पकालिक उपग्रहों को कक्षा में भेजा है। साल 2013 में एक जानवर को अंतरिक्ष में भेजा था। दिसंबर में ईरान ने जानवरों को ले जाने में सक्षम एक कैप्सूल कक्षा में भेजा। दावा है कि ईरान आने वाले वर्षों में मानव मिशन की तैयारी कर रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि ईरान बेहद कम समय में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करने में सक्षम हो जाएगा।